मुझे याद है भाई बहनों, एक बहुत बड़ा नाम किया हुआ गुंडा, कभी गुंडा हुआ करता था टायरों में, अब वो आके खड़े थे मुझे मालूम नहीं थे, और कौन सा गीत और कौन सा कलाम उनके दिल में गया और वो टूट पड़े, और वो 6 फुट का इंसान आके इतना बुरी तरह रो रहा था मेरे पास, जैसे लग रहा है 16 साल की लड़की रो रही है, नाक से आंख से बह रहा था, नाक से भी पानी आंख से भी पानी, हाव हाव रो रहा, मुझे पकड़ के कितना जोर से रो रहा है, चूर चूर कर दिया था खुदा उसके घमंड को, उसके शख्सियत को, उसके वो बनावटी जिंदगी को चूर चूर कर दिया, जला दिया वो जगह जहां कांटी और छाड़ी हुआ करता था। अक्सर हम कांटों और छाड़ी को जलाते हैं और वही खुदा की कलाम करते हैं, इसमें सामर्थ है। दाऊद बादशाह 119 में कहते हैं, साम्स 119:8-9 कि ये कलाम और क्या करता है, यीशु और क्या करता है, जब भी कलाम कहूं तो समझ लीजिए यीशु, और यीशु क्या करता है, 8:9 and it says, I will obey your decree. Do not utterly forsake me. How can a young person stay on the path of purity by living according to your word? प्रश्न है, एक युवक किस तरह शुद्धता के पथ में रह सकता है? और फिर कहा, by the living according to your word, अगर वो जीना है तो वो तेरे कलाम में जीना, अर्थात सेपरेट कर रहा है आपको, आपको अलग कर रहा है, आपका एक शुद्धता के जीवन, a life that is worthy of living in purity. हम अब तक प्योर नहीं है, क्योंकि जानते हैं जब हम बच्चे थे तो हम सब एक ही जैसे थे, कोई भी हमें कुछ चेता था अपना हाथ मिला के ले लेते थे, वो छोटा छोटा 5 पैसा वाला 2 पैसा वाला टॉफी कितना प्यारा आता, साल में 1 दफा 2 दफा कपड़ा पहनना, कभी कभार हमारे माँ बाप हमें बाहर कभी हाथ पकड़ के टहला ले जा रहे, कितना खुशी के दिन थे। और फिर वही इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से, जैसे एक बच्चा कचरा उठा के खाने शुरू कर देता है, उसी तरह हम लोग भी इस संसार के बहुत सारी कचरी चीज उठाते उठाते हम आहिस्ता आहिस्ते दूषित हो चुके हैं, हमारी सोच दूषित हो चुके हैं, हमारे बोलना, मुंह खोलते तो जैसे हम लोग आग बरसते हैं, जैसे जहर है सांप के जैसा, सांप अगर डस ले तो आप जो नागिन वाले हैं उसे बुला लीजिएगा, वो उतार देगा, वो उतार देता है, और अगर उनसे ना हो तो अस्पताल में जाइए 2-3 इंजेक्शन मार लगा देगा, जहर उतर जाएगा। मगर एक इंसान अगर किसी को डसता है अपने मुंह से, एक बात कह देता है, वो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। याकूब कहता है इन द बुक ऑफ जेम्स, टंग इस जीव के बारे में, आग है इसमें, ये जला के राख कर देगा, तबाही कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। और हम अशुद्ध नहीं रहे, हमारी सोच शुद्ध नहीं रहे, हम अच्छे लोगों के बारे सोच नहीं सकते। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आज ही मैं एक दीदी से बात कर रहा था, उस दीदी की बहुत सारे बहने जो उसे पसंद नहीं करते, मगर वो दीदी अभी सबको पसंद करना शुरू कर चुका है, क्योंकि वो सिद्धिता की ओर जा रहा है। तुम मेरे बारे क्या सोचते हो बड़ी मायने नहीं है, मैं तुम्हारे बारे क्या सोचता हूं ये सबसे बड़ी बात है। और अगर मैं तुम्हारे बारे अच्छा सोचता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे शुद्ध कर चुका है, क्योंकि कलाम मेरे अंदर में जगह ले चुका है, और जहां कलाम अपना जगह लेता है वहां यीशु अपना जगह ले चुका है, आपके जिंदगी में यीशु शामिल हो चुका है, He is a part of your life. It cleanses. ये हमें शुद्ध कर देता है। हर रोज हमारे मैले कपड़े साफ करने के लिए हम एक एक डिटर्जेंट चूज करके रखे हुए हैं, और वही डिटर्जेंट लाते हैं उसी से साफ करते हैं, और कितने सारे प्रोडक्ट है डिटर्जेंट की, लिक्विड से लेके ब्लीचिंग है, बहुत सारे प्रोडक्ट है कपड़ा धोने की। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई बहनों, दामन की दाग धोने के लिए एक ही प्रोडक्ट है, और वो है यीशु मसीह की लहू, और कुछ नहीं, देयर इज नथिंग अदर देन दिस, और है ही नहीं। और भाई बहनों, हम पा रहे हैं उस लहू को,
सबसे बड़ी बात है याकूब की पत्र कहता है 1:18 लेट्स सी याकूब के पत्र में 1:18 याकूब क्या कहता है व्हाट डज ही सेज ही चोज टू गिव अस बर्थ थ्रू द वर्ड ऑफ ट्रूथ उसने ये चाहा कि मैं तुम्हें जन्म दूंगा और कलाम से जन्म दूंगा मैं तुम्हें नया जन्म दूंगा हमारी नया मैं कैथलिक हूं और उसके ऊपर और एक चीज हो बेन्यामिन वंश की हो यहूदी मगर भाई बहनों कलाम नहीं था नया जन्म नहीं था खुदा को समझता नहीं था बाइबल उठा के कभी पढ़ के जान भी नहीं सकता था क्या है मगर कहता है he chose to give उसने चाहा कि मैं तुझे नया जन्म दूंगा और वो कलाम से हमें नया जन्म दिया थ्रू द वर्ड ऑफ ट्रूथ और सच्चाई के कलाम क्योंकि प्रभु कहता है मैं सच हूं ही आई एम द ट्रूथ और वो द वर्ड इज जीसस उसी कलाम से दिया दैट वी माइट बी द काइंड ऑफ फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल क्रिएशन पहला सृष्टि बन जाए और वो पहला सृष्टि आदम था और अब खुदा फिर से वही आदम बनाने वाला है आदम अधूरा था भाई बहनों आज मैं आपको बता दूं आदम अधूरा था खुदा के सादृश्य में था प्रतिमूर्ति में बनने के लिए जा रहे थे मगर बन नहीं पाए उसके आगे शैतान ने अपनी प्रतिमूर्ति में बना लिया देखने में खुदा के जैसा था और आचरण शैतान के जैसा था जैसे देखने में कुत्ता है मगर जब ही बोलता है म्याऊं म्याऊं करता है और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ नहीं आदम अधूरा रह गया था प्रभु की सृष्टि की क्योंकि प्रभु रोज आते थे और आदम के साथ बैठते थे और कलाम के वाक्य अलाप करते थे मगर वो हुआ ही नहीं आदम अपनी बीवी को इतने त्वचा दे दी कि बिना पूछे उसने फल दी इसने खा लिया ये भी नहीं पूछा है क्या चलिए आजकल कभी भी लोग धन्यवाद अगर पति पैकेट में लेके आता कभी से क्या है क्या क्योंकि फिगर कॉन्शियस है क्या है क्या है क्या क्या लेके आया जब तक नहीं दिखाएगा नहीं खाएगा वो भी कैलोरी कॉन्शियस मगर उस समय आदम ने इतने प्यार में डूब चुके थे कि उसने जो हाथ में उठा के दिए वो वही खा लिया बिना पूछे जबकि ये पूछना चाहिए था ये फल आया कहां से क्योंकि ये फल को आदम पहचानते थे क्योंकि खुदा ने देखा था बताया था ये पेड़ का फल मत छूना और उसी ने उसी पेड़ को क्योंकि उसकी बीवी ने कहा इसीलिए छू लिया भूल गया कि खुदा ने कहा मत खाना और आज भाई बहनों फर्स्ट फ्रूट उन्होंने हमें जन्म दे रहा है कलाम से एक नया जन्म दे रहा है और सच्चाई से ताकि हम पहला बने वो पहला इंसान खुदा की सादृश्य में और आज कुछ लोग प्रतिमूर्ति में बनते जा रहे हैं वैसा ही बनते जा रहे हैं खुदा तो वही बना रहे हैं जो कभी हम लोग अपने भाई बहन से प्यार नहीं कर पाते थे आजकल कर रहे हैं जिसे नहीं माफ कर पा रहे आजकल कर रहे हैं क्योंकि बदलाव आ रहा है फर्स्ट फ्रूट क्योंकि खुदा के चरित्र हमारे अंदर में आहिस्ता आहिस्ता डाला जा रहा है काम कौन कर रहा है पवित्र आत्मा कर क्या रहा है कलाम को बैठा रहा है और आज को कलाम यही कहता है अगर आप देखें 1 पतरस 1:22 लुक एट इट क्या कहता है 1 पतरस 1:22 नाउ दैट यू हैव प्योरिफाइड योरसेल्फ बाय ओबेइंग द ट्रूथ कहता है अब तुम शुद्ध हो चुके हो सच्चाई को मान के ट्रूथ और सच्चाई क्या है कलाम है और कलाम क्या है यीशु मसीह है आपने उसमें विश्वास की उसके मैं यीशु मसीह को जानते हो जितने फोटो आप देखे किसी और इंसान के हैं यीशु मसीह के नहीं है किसी चित्रकार के हैं तो आप देखे कहां से अगर आप सचमुच यीशु मसीह आके गुजर भी जाए पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आधा आदमी डिवाइन मर्सी जानता है बाकी लोग कुछ और फेस जानते हैं रॉबर्ट पावल को जानता है और कुछ साउथ इंडियन होगा तो दया सागर के बुढ़ा को जानता है जो दया सागर ने जीसस का एक्टिंग किया वो 50 साल का था 32 साल का एक्टिंग कर रहा था चलिए मैं आपको बता देता ना सबसे बड़ी बात यही है कि हमें तो ये सब शक्ल मालूम है हम तो उनकी शक्ल जानते नहीं है आधा आदमी तो मुझे भी देख के कहते यीशु बाप क्योंकि उन्हें उनकी शक्ल नहीं मालूम मगर जिन दिन उनकी शक्ल मालूम चल जाएंगे वो जान जाएंगे कि ये तो खादिम है नौकर है खुदा की
मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, हम मसीह को कलाम से पहचान लेते हैं, उसी कलाम से पहचान लेते हैं, वो एहसास भी वो कलाम से ही आता है और उसे एहसास कर लेते हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये है, the truth that you have sincere love for each other, क्या क्या जब तुम एक दूसरे से एकदम सिंसियर, एक प्यार होगा जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, मिलावट नहीं होगा, सही माने से प्यार होगा with each other, love one another deeply from your heart, और एक दूसरे से दिल से प्यार किया होने दो, वो तुम्हें कुछ भी कह दे, वो तुम्हारे बारे कह दे, वो कहता है that is his opinion, ये वो उसका सोच है, तो उसकी सोच तो तुम्हारी सोच नहीं हो सकते, तब तो तुम्हारे उसमें अंतर कहाँ है। अगर कोई तुम्हें कहता है I hate you, ये उसकी सोच है, you should say I love you, क्योंकि ये आपकी सोच है। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कलाम हमें आगे लेके चलता है, कलाम हमें बता रहा है कि हृदय से प्यार करना सीखो, जिनसे हुआ नहीं है कोशिश करो, खुदा कर दो, खुदा कर दो, और आप देखेंगे एक दिन आप कर दिया, और जिस दिन आप अपने दुश्मनों से प्यार कर देंगे, कलाम पूरा हो चुका आपके जिंदगी में, अर्थात जीसस इज कंप्लीटली योर्स, पूरा आपका। जब भी आप आपके भाई के विरुद्ध में करते, यीशु कहता मैं यह नहीं ले सकता। एक दिन मैं इनके घर में गया था भाई बहन, उन्होंने हमें बुलाया था, और बुला के जब घर में गए दावत में, और घर में इतनी बुरी तरह लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जो सास अपनी बहू को इतनी प्यार से बातें करती थी, उसने जो गाली दी, और पूरी परिवार मिलकर जो गाली दी, वहां गाली सुनने के बाद मेरा तो खाना ही नहीं हुआ, मैं कहता मैं जाऊं, नहीं नहीं खा के जाऊं, मैं खा ले नहीं, अब तो और होगा ही नहीं, कहां से मुंह में घुसा, इतना क्लेश हो चुका उस घर में, और क्लेश में खाया जा सकता है, वो कुत्ता कर सकता है, लात मारो, जूता मारो, फिर टुकड़ा फेंक दो, बाकी खा जाएगा, भैया इंसान है, नहीं खाया गया, नहीं उतरेगा, निकल गए मैं उस घर से। और अगर मैं एक इंसान होकर निकल गया, और आप भी वही इंसान होकर निकल जाएंगे, तो आपको कैसा लगता कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में ठहर जाएगा, आपका एक गलत फैसला वो दुखी होकर निकल जाएंगे कि नहीं ये नहीं सुन रहा मेरे बात, ये नहीं मानना चाहता, ये मेरे बात को अमल नहीं करता, मैंने तो सोचा इसने वो करेगा जो मैंने कहा था, मगर जब इसने किया नहीं तो ये जवाब मेरा नहीं। आज कलाम आपको बताना चाहता है कि एक पतरस दो के दो, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, पतरस कहता है अगर सचमुच आप जानना चाहते हो और आत्मा में जिंदा रहना चाहते हो, न्यू बॉर्न बेबी एकदम बच्चा के जैसा क्रेव फॉर प्योर मिल्क, वो दूध मांगो जिसमें मिलावट ना हो। आजकल सारे दूध जो देते हैं सब मिलावट है, और वो तो छोड़िए आजकल कलाम में मिलावट है, इस तरह बुरी तरह मिलावट है कि आपके जरूरत के बारे में प्रचार हो जाए, खुदा की जरूरत के बारे में प्रचार नहीं होता, वो आपका जरूरत के बारे में प्रचार होता है। जैसे ये सारी जो कलीसिया है, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए तैयार हो गया, जिसके नाक नहीं है भैया वो नाक बना लेता जाके उसकी जरूरत से, जिसके आंखें बड़ा करना है वो काट के बड़ा कर लेता है, जिसके जो चीज चाहिए सिलिकॉन से ऐड कर लेता है ताकि उसे देखने ऐसे लगे, मगर ये भूल जाता बुढ़ा होने के बाद क्या होगा। भाई बहनों, हमें आपको बताने से शर्म आता है, कभी कभी जो पीछे नहीं है वो अपने पीछे में भी सिलिकॉन डालते हैं, और जब उम्र हो जाते तो सिलिकॉन नीचे चले जाते हैं, फिर उसके ऑपरेशन के लिए दोबारा जाने पड़ते हैं, सिलिकॉन को उठाओ नाक के अंदर में यहां डाल के नाक को खड़ा करना है, उसे ये खुश नहीं है। और हम भी कलीसिया में हमारी जरूरत जो है हम भी वो चाहते रहते हैं जो हमारे नहीं है, मगर हम चाहते हैं, और बाद में जो चीज हम चाहते हैं वही हमारे बर्बादी के कारण भी हो जा रहे हैं, क्योंकि हम गलत चीज चाह रहे हैं। We are searching for a wrong thing. We are asking for a wrong thing. कहता कौन पाप है अपने बेटे को, अगर वो रोटी मांगे तो पत्थर देगा, मछली मांगे तो सांप देगा, अंडा मांगे तो पिछुआ देगा, अगर तुम्हारे दुष्ट
बाप इतने दुष्ट होते हुए तुम्हें अच्छी चीज दे सकते हैं, तो तुम्हारे पिता कितना ही पवित्र आत्मा देगा यदि तुम चाहो। मगर हमें तो भैया चाहिए, हम तो जुबान खोल के बोलते हैं। और सारे प्रचारक लोग बैठ बैठ के दुकान खोल चुका, मैं रोज बैठ बैठ के देखता हूं। एक ने तो बैठ के कह दिया, छोटे छोटे बच्चा लोग आजकल तमाशा शुरू कर चुका है बड़े बड़े को देख के। मैं देख रहा हूं 5,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वो देख रहे। मैंने आपको उस दिन कहा अब सबका नौकरी लग जाएगा, कहां है नौकरी? मैं भी तो पूछना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन में सबका नौकरी जा रहा है, वो नौकरी लगा रहे हैं, और सब आदमी लोग कुछ मेरे नौकरी लगने वाला अब इंतजार में रह जाएगा। तब तक कलाम निकल गए। चलिए पंजाब की बहुत बड़ी प्रचारक, सारे आम खुले बता दिया 2020 इज अ ईयर ऑफ अ ब्लेसिंग, 2020 ईसाई मजहब धर्म में ये होगा वो होगा। कहां है आप लोग? 2020 दुनिया में सबसे शापित समय निकला, द वर्स्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कभी इतने खराब समय नहीं थे जो ये 2020 दिखाए। आधा ने बाकी लोग कुछ है जो भविष्यवाणी से फिल्म एक्टरों पे करते हैं, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के ऊपर उनके ये होता है, खुदा के बोल देता बता देना अमिताभ बच्चन के बारे में, बता देना शाहरुख खान के बारे में, मैं ये कर रहा हूं। भाई बहनों मिलावट है, और इसी मिलावट की दूध खा के मत सोचिए आप बहुत बड़े फौलाद ईसाई बनेंगे, आप एकदम दुर्बल बनेंगे, कोई चीज हजम करने के लायक ही नहीं हो पाएंगे, जो भी खाएंगे उगाल देंगे। और जो आदमी उल्टी भी करता है और उसके शरीर को पचता नहीं है, वो दुगले पतले बीमार होते हैं, ज्यादा दिन टिकते नहीं है। क्रेव फॉर अ प्योर मिल्क, ऐसा दूध लो जिसमें मिलावट ना हो, सो दैट यू मे ग्रो अप इन योर सल्वेशन, तुम अपने मुक्ति में बढ़ते जाओ। हम मुक्ति में क्या मिलेगा, हमें यह भी नहीं मालूम मोक्ष क्या होता है। आधा आदमी मोक्ष कहता है, क्या होता है उन्हें यही नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि ये समय से निकल जाएगा मोक्ष आ जाएगा, पेंडेमिक चल जाएगा बच जाएगा। अरे मरेगा तो जरूर, मैं आपको बताता हूं पेंडेमिक के बाद भी आदमी मरेगा। और आज हमारे शरीर थोड़े दुर्बल होते जा रहे हैं सबके, अभी मालूम है क्यों? बिकॉज ऑफ द मास्क, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसी को खींच रहे हैं, इसीलिए सब कोई सांस की प्रॉब्लम और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं सबका। मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा निकलेंगे जब भी खोलेंगे, सारे काउंसलिंग चलेंगे मानसिक प्रॉब्लम के लिए, सब लोगों को फिर से नए जिंदगी जीने के लिए तैयारी होना है।